अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर पीके कंज्यूमर और मैं हूं आपका होस्ट उमर इकबाल। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मोस्ट अवेटेड वीडियो मेरे चैनल पर जो है, यानी कि हायर फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किस तरह यूज़ की जाती है या उसका कंप्लीट डेमो आप कह सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कम्प्लीट उसके फीचर्स, फंक्शनैलिटी, और वीडियो के एंड में आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा जिससे आपकी वॉशिंग मशीन की लाइफ मज़ीद बढ़ सकती है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप फ्रेंड से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन लाजमी दबाइएगा ताकि मज़ीद इसी तरह की वीडियोस आप तक मज़ीद पहुँच सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके लाजमी जाइएगा और कमेंट में हमें अप्रिशिएट लाजमी कीजिएगा। सो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, कपड़े हमने लोड कर दिए हैं, मैंने तकरीबन नॉर्मल क्वांटिटी ली है एज इट इज़। और अगर इसके फिज़िकल मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं तो यहाँ पे हम डिटर्जेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं, लिक्विड भी कर सकते हैं, पाउडर भी कर सकते हैं, जबकि इसके अलावा यहाँ पे हम सॉफ्टनर का यूज़ करेंगे। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप सॉफ्टनर नहीं यूज़ करना चाहते तो ना करें। तो ये लिक्विड डिटर्जेंट है जो कि हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये ओनली फॉर बेबी है। तो हमारा जो बेबी है मोहम्मद, उसके कपड़े वॉश करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं जो कि मेड इन USA, काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है और काफ़ी देर ये चल जाता है। जबकि इसी ही कंपनी का हम जो है अपने कपड़े वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं, वो भी प्योरेक्स के नाम से ही है, लेकिन वो अडल्ट के कपड़ों के लिए, अडल्ट मीनिंग इससे आप बच्चों के भी कपड़े वॉश कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकली बेबीज़ के लिए था जो मैंने आपको पहले दिखाया। और अगर आप कोई पाउडर वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो पाउडर आप परचेज करें जिस पर टॉप लोड मशीन मेंशन हो। इसमें ये होता है कि ये कम बबल्स बनाते हैं। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारी मशीन सही तरह रिंस नहीं करती या सरफ बीच में रह जाता है। तो बेसिकली मसला यही होता है कि हम लिक्विड डिटर्जेंट कम यूज़ करते हैं, आम नॉर्मल जो है ऑर्डिनरी सरफ यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो बबल ज़्यादा बनाते हैं, वो झाग ज़्यादा बनाते हैं, जिसकी वजह से कपड़े सही तरह वॉश नहीं होते। तो मैं अभी लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करूँगा। तो मैंने तकरीबन हाफ कप ले लिए, इसे मैं डिटर्जेंट कंपार्टमेंट में लोड कर दूंगा। और जबकि राइट साइड पे हम सॉफ्टनर लोड कर देते हैं। सॉफ्टनर के लिए उन्होंने एक स्पेसिफिकली क्वांटिटी दी हुई है कि आप इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते, मैक्सिमम निशान दिया हुआ है, तो आपने भी इससे ज़्यादा लोड नहीं करना है। हायर वॉशिंग मशीन के इस मॉडल में ये सॉफ्टनर का ऑप्शन है। वैसे इससे जो ओल्ड मॉडल्स हैं उसमें सॉफ्टनर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, लेकिन वैसे जो है दूसरे जो ऑप्शंस हैं वो तकरीबन सेम ही हैं। अभी सबसे पहले कुछ इसके बटन्स वगैरह का ओवरव्यू कर लेते हैं। ये सारा इसका ऑपरेटिंग पैनल है, इस बटन से हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रोग्राम्स मेनू है, मैं यहाँ जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे है कुछ नॉर्मल मीन, यानी कि यहाँ पे फजी लॉजिक वर्क करती है, जबकि इसके अलावा नीचे की तरफ है हैवी, स्पिन, क्विक, डीप क्लीन, वूल, डेलिकेट और एयर ड्राई। जब हम प्रोग्राम बटन को प्रेस करेंगे तो एक दफ़ा लाइट स्टेप डाउन हो जाएगी, जिसका मतलब है कि हम नॉर्मल से हैवी पे आ गए हैं। फिर प्रेस करने के बाद हम इसी तरह नेक्स्ट मेन्यू में चले जाएंगे, स्पिन और क्विक में। लेकिन इसके बाद आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं कि डीप क्लीन, वूल, डेलिकेट और एयर ड्राई का ऑप्शन है। तो दोबारा जब हम फिर प्रेस करेंगे तो इस दफ़ा ये डीप क्लीन की तरफ चले गया और ये मिनट्स आपको बता रहा है 77 मिनट्स। तो पहली दफ़ा ये राइट साइड के मेन्यूज के लिए लाइट ब्लिंक करेगी, दूसरी दफ़ा लेफ्ट साइड के। तो अभी जो दोबारा प्रेस किया है मैंने तो ये वूल पे आ गई है 36 मिनट्स, डेलिकेट पे आ गई है 40 मिनट्स, जबकि एयर ड्राई का ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए ये 60 मिनट्स आपके लेगी। ये स्पेसिफिकली हर चीज़ का टाइम उन्होंने फिक्स किया हुआ है, लेकिन इसे हम अपनी मर्ज़ी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली आप नॉर्मल पे जाके, फजी लॉजिक पे जाके आप सिंपली आप अपने कपड़े लोड करेंगे और स्टार्ट का बटन दबा देंगे तो मशीन ऑटोमेटिकली अपना टाइम, वाटर लेवल सब कुछ ऑटोमेटिकली फिक्स कर देगी। वो भी मैं चल के आपको आगे बताता हूँ। तो अभी हमने हैवी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे 48 मिनट्स शो हो रहे हैं। तो ये कपड़ों के वेट के लिहाज से ऑटोमेटिकली वाटर लेवल सेट कर लेगी और वॉशिंग शुरू कर देगी। लेकिन अगर हम उसमें भी चेंजिंग वगैरह करना चाहें तो हम चेंजिंग कर सकते हैं, इसके वाटर लेवल को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, वॉश टाइम को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये चेंजिंग में मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ, लेकिन अभी हम नॉर्मल मोड पे दोबारा जाते हैं तो उसमें मैं आपको दोबारा चेंजिंग्स करके दिखाता हूँ। अभी मशीन को मैंने दोबारा ऑफ और ऑन दोबारा कर लिया है। तो अभी देख लेते हैं कि प्रोसेस मोड में हम क्या क्या सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मशीन ऑटोमेटिकली नॉर्मल मोड पे चलेगी यानी कि फजी लॉजिक पे, तो अगर हम यहाँ पे प्रोसेस मोड की तरफ आएँ तो यहाँ पे अगर हम पहली दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये वाटर लेवल पे आ जाएगा। तो यहाँ पे वाटर लेवल बता रहा है मशीन कपड़ों के वेट के लिहाज से 6, तो इसे मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ सेट का बटन दबाने के बाद। अगर हम जितनी दफ़ा सेट का बटन प्रेस करेंगे मेन्यू ऊपर वगैरह जाता रहेगा। इसी तरह ये वाश टाइम बता रहा है कि ये 12 मिनट लेगा फजी लॉजिक में, तो इसे हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपको मशीन की सेटिंग्स पे नहीं कपड़े वॉश करने तो आप अपनी सेटिंग्स पे भी कर सकते हैं। इसी तरह रिंस टाइम में ये 2 मिनट लेने थे, मैं इसे 3 मिनट भी कर सकता हूँ, तो अपने हिसाब से मैंने सेट कर लिए। तो अभी ये 60 मिनट्स बता रहा था, तो हम दोबारा जाते हैं, स्पिन टाइम को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसे 6 मिनट पे ही छोड़ देते हैं। और इसके अलावा एक और बहुत अच्छा मेन्यू है, और काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में मुझसे पूछ भी रहे थे कि इसमें डिले ऑप्शन है या नहीं। हालांकि मैंने पहले बताया था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि इसमें डिले ऑप्शन भी है। अगर आपको नहीं पता डिले ऑप्शन क्या होता है, कि इसमें हम अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं कि आपको कितनी देर बाद कपड़े वॉश चाहिए। यानी कि अगर आप रात को सोने से पहले, मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि मेरी मशीन 3 घंटे बाद कपड़े धोना शुरू करे, तो मैं इसमें 3 का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, यानी कि 3 घंटे बाद का ऑप्शन। तो वो अभी आप कपड़े वगैरह लोड करके छोड़ देंगे, आप यहाँ पे टाइम सेट कर देंगे, तो जिस टाइम के हिसाब से आपने सेटिंग की होगी उसी टाइम के हिसाब से मशीन दोबारा चल पड़ेगी। मिसाल के तौर पर आप रात 10 बजे कपड़े इसमें लोड कर देते हैं और 10 घंटे या 12 घंटे के टाइम के बाद का आप लगाते हैं, मतलब कि यहाँ पे आप 12 का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, तो ये सुबह 10 बजे ये मशीन चलना स्टार्ट होगी और आपको कपड़े वॉश करके दे देगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये ऑप्शन मुझे भी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा लगा है। तो अभी हम वॉशिंग की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे मेरी सेटिंग्स के मुताबिक, हालांकि नॉर्मल पे ये कम टाइम बता रहा था, लेकिन मैंने जो सेटिंग्स चेंज की हैं तो उस पे ये 60 मिनट्स बता रहा है। तो इसको अब हमने सिंपली स्टार्ट का ऑप्शन जैसे ही दबाएंगे, वाटर लेना शुरू कर देगी और जितना वाटर लेवल मैंने सेट किया है उस हिसाब से ये पानी अब ले लेगी। तो मशीन ने अपना वर्क शुरू कर दिया है, ये इसी तरह ही चलती है, इसमें ये परेशान होने की बात नहीं है कि आपकी मशीन किस तरह चलती है। इसे हैंड वॉश टेक्नोलॉजी कहते हैं, कि आप देख भी सकते हैं कि इस तरह लगता है जिस तरह हैंड के साथ इसे वॉश किया जा रहा है। तो हायर की तरफ से ये एक नई टेक्नोलॉजी है, आपको अगर पसंद है तो नीचे कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। पहले जो मैंने सेटिंग की थी उसमें मैंने अपनी कस्टम सेटिंग्स की थी, जैसे कि वाटर लेवल अपने हिसाब से चेक किया था, सब कुछ अपने हिसाब से सेट किया था। लेकिन अभी मैं आपको फजी लॉजिक भी बता देता हूँ कि फजी लॉजिक किस तरह वर्क करती है। तो मैंने सिंपली नॉर्मल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, स्टार्ट का बटन जैसे ही दबाएंगे तो मशीन 3 दफ़ा इस तरह स्पिन होगी और उसके बाद ऑटोमेटिकली कपड़ों का जो है वेट ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से पानी ले लेगी। तो अगर आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करनी आती तो सिंपली ये वाला प्रोसीजर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा जैसे कि मैंने अभी फजी लॉजिक पे किया है, तो उसने ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से पानी लिया है। तो अगर आपको बाद में वॉशिंग के दौरान ये पानी कम लगे तो फिर आपको क्या करना चाहिए, फिर आप क्या कर सकते हैं, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपने सिंपली इसे पास का बटन दबाना है, जो कि स्टार्ट का भी बटन है, आपने उसे सिंपली एक दफ़ा प्रेस करना है। उसके बाद आपने प्रोसेस का बटन दबाना है और वाटर लेवल पे लाइट इंडिकेटर आ जाएगा, तो फिर दोबारा अपने सेटिंग पे चले जाना है। जो सेट का बटन आप प्रेस करेंगे, जैसा कि अभी वाटर लेवल 4 शो कर रही है, तो फजी लॉजिक के ज़रिए इसने ऑटोमेटिकली 4 का ऑप्शन सिलेक्ट किया है। लेकिन अगर हमें वाटर लेवल कम लगे तो हम इसे 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, जिस हिसाब से। अगर आप पंजाब वगैरह में रहते हैं तो भाई फिर तो आप बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम लोग कराची में रहते हैं तो हम ज़्यादा पानी ज़ाया नहीं कर सकते। मैं इसे आपको दिखाने के लिए इसे 5 पे कर देता हूँ। तो 5 पे करने के बाद हमने सिंपली दोबारा फिर स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये पानी दोबारा लेना शुरू कर देगी और लेवल 5 तक पानी करके तो ये दोबारा अब वॉशिंग स्टार्ट कर देगी। तो इसे ऑपरेट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं अपनी कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपको जितना हो सकता है एज इट इज़ सिंपल करके दिखाऊं। तो डीपली ऑप्शंस आपको कंप्लीट एक ही वीडियो में बना के बताऊं। अभी बात कर लेते हैं कुछ इसके और मज़ीद फीचर्स की। जैसा कि इसमें चाइल्ड लॉक का ऑप्शन दिया है हायर वालों ने। चाइल्ड लॉक ऑप्शन का फ़ायदा ये है कि मिसाल के तौर पे घरों में बच्चे वगैरह होते हैं, तो आपने मशीन चलाई हुई है तो कोई बच्चा आके कोई बटन प्रेस करता है जिसकी वजह से आपकी मशीन बंद हो सकती है या प्रोग्राम में कोई चेंजिंग हो सकती है। तो अगर आप चाइल्ड लॉक लगाएंगी तो
कोई भी बच्चा किसी भी बटन को प्रेस करके सेटिंग्स में चेंजिंग नहीं कर सकता। चाइल्ड लॉक का ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए आपने सिंपली प्रोसेस और सेट के बटन को इकट्ठा जब प्रेस करेंगे तो चाइल्ड लॉक का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। तो फिर कोई भी ऑप्शन सिंगल प्रेस या सिंगल बटन को दबाने से सिलेक्ट नहीं होगा, लेकिन शर्त यह है कि आप किसी बच्चे को ये चाइल्ड लॉक एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना ना सिखा दीजिएगा। तो अभी सबसे जो मोस्ट हॉट फेवरेट क्वेश्चन जो है हमारी इस वीडियो का, कि भाई टब क्लीन कैसे होता है, टब क्लीनिंग कितनी देर में करते हैं और उसका ऑप्शन किस तरह सेलेक्ट करते हैं, तो वो अब हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि टब क्लीन आपने 2 से 2.5 महीने पहले नहीं करना, ठीक है, क्योंकि टब क्लीनिंग में वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि आपने सिंपली प्रोग्राम और सेट के बटन को इकट्ठा जब आप प्रेस करेंगे तो टब क्लीनिंग का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे CH लिखा आएगा। टब क्लीनिंग के ऑप्शन में आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, आपको सिंपली स्टार्ट के बटन को प्रेस करना होता है। तो जैसे ही हम प्रेस करेंगे यहाँ पे, अभी तो मैं करके नहीं आपको दिखाने वाला, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये सिंपली पानी लेना शुरू कर देगी, यानी कि ये फुल टब भर जाएगा पानी से और सिंपली कुछ देर चलने के बाद ये स्टैंड बाई मोड पे चले जाएगी। अगर आप चाहें तो इसमें कुछ सर्फ भी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं भी चाहें तो कोई मसला नहीं है। तो स्टैंड बाई पे चले जाएगी और तकरीबन ये 11 घंटे के लिए स्टैंड बाई पे चले जाएगी। आपने मशीन को ऑफ पीछे से नहीं करना, ये खुद ब खुद जब दोबारा चलना होगा तो चल जाएगी। जब 1 घंटा रह जाएगा तो ये दोबारा मशीन चलना शुरू कर देगी और उसके बाद एक और दफ़ा पानी ड्रेन करने के बाद एक और दफ़ा पानी लेगी और फिर ये ड्राई मोड पे चली जाएगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट स्पिनिंग के बाद जब टब कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तो आपकी टब क्लीनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी बात करते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि मैं एंड पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा जो कि आपकी वॉशिंग मशीन की लाइफ को भी बढ़ाएंगी और आपके वॉशिंग एक्सपीरियंस को भी बेहतर बनाएंगी। तो कुछ ज़्यादा टिप्स नहीं है, सिर्फ 2 टिप्स हैं। सबसे पहली टिप जो ये है कि वॉशिंग कंप्लीट करने के बाद आपने ये वाले जो हिस्से पे जहाँ से पानी की एंट्रेंस है वहाँ पे आपने इसको ओपन करके ऊपर एक जाली लगी होती है जो स्टेनलेस स्टील की जाली है, जो 2 जालियाँ लगी हैं, एक जाली को हम रिमूव कर सकते हैं यानी कि निकाल सकते हैं। तो आपने सिंपली किसी भी चीज़ की मदद से आपने इसे निकालना है। आप देखें कितना ज़्यादा इस पर कचरा वगैरह आ चुका है जो कि हमारे पानी के साथ आ जाता है, बहुत बारीक है, बहुत माइनर सा है, लेकिन वो आपको निकालना होता है। वो आपने निकाल के सिंपली इसे वॉश करके दोबारा लगा देना है। इससे ये होगा कि पानी का फ्लो अच्छा रहेगा और आपकी वॉशिंग टाइम भी कम हो जाएगी। दूसरे नंबर की जो टिप है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और मेरे ख्याल में वो आपको तकरीबन लाजमी तौर पर करनी चाहिए। वो ये है कि ये जो अंदर फिल्टर लगे हुए हैं, किसी मशीन में ये 1 लगा हुआ है, इस वाले मॉडल में 2 फिल्टर्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो इसको हर वॉशिंग के बाद आपने वॉश करना है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो ये मैंने साफ़ नहीं किया, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये देखें कितनी ज़्यादा वूल इसमें आके जमा हो जाती है। वूल कह सकते हैं या कचरा वगैरह कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये पकड़ लेती है 1 या 2 दफ़ा वॉशिंग के बाद। तो ये आपने लाजमी तौर पर साफ़ करना है। अगर आप इसे साफ़ नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल स्टक हो जाएंगे, फिर ये काम करना छोड़ देंगे और ये जो कचरा है ये सारा आपकी ड्रेनिंग पाइप में जाके जमा होता रहेगा और उसके बाद आपको आपकी वॉशिंग मशीन में लीकिंग इशू भी हो सकता है। तो इन 2 चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। और बस इतना ही, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। मैंने कोशिश की थी कि मैं थोड़े टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ, कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया मेरे ख्याल में, लेकिन अगर आपको कोई भी आपके ज़हन में सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, वहाँ पे भी मुझे जाके आप फॉलो करें। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।